इसके अलावा हम बातचीत करेंगे ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हिलात के बाद मिडल ईस्ट में पैदा होने वाली सूरत हाल पर बरतानिया में इमिग्रेंट्स और फार राइट ग्रुप्स के बीच मामला बिगड़ते क्यों जा रहे हैं अमरीका में डेमोक्रेट्स की जानब से नए वी पी पिक के बाद अमरीकी इलेक्शन कम्पेन पर क्या असर पड़ेगा और कैनेडा में अहम पोलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं तो आइए आज की बातचीत का आगाज करते हैं बांग्लादेश के क्राइसिस के हवाले से गुजश्ता दो तीन दिनों में बांग्लादेश के अंदर ड्रामाई तब्दीलियां सामने आई हैं। शेख हसीना वाजिद ने पीर के रोज अचानक इस्तीफा दे दिया और वो भारत भी पहुंच गई बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तोड़ दी नई इंटरिम गवर्नमेंट के लिए काम हो रहा है अब इस तमाम सूरत हाल में बांग्लादेश आपको किस तरफ जाता नजर आता है देखिए जो कुछ बांग्लादेश में कुछ हफ़्तों से हो रहा है उस पर हम आगे चलकर थोड़ी और तफसील से बात करेंगे आपका बुनियादी सवाल है कि ये जो सब कुछ हो चुका है इसके बाद अब बांग्लादेश किस तरफ जाएगा अभी पीर के रोज़ एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आई शेख हसीना जो बड़ी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर समझी जाती थी साढ़े पंद्रह साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा का ऐलान किया और वो भारत पहुंच गई और भारत में जब वो पहुंची तो ये इतलात आई कि जहाज़ के अंदर ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने उनसे मुलाकात की क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि शायद वो भारत से आगे इंग्लैंड चली जाए क्योंकि भारत के लिए भी उनको होश करना लंबे अरसे के लिए मुश्किल है आ, इस पर भी आगे चल हम बात करेंगे तो अब बांग्लादेश जो आपने बुनियादी सवाल किया कि सब कुछ हो चुका है अब इस हो चुकने के बाद बांग्लादेश किस तरफ जाता नज़र आ रहा है इस्तीफ़ा दे दिया फॉर्मर अब तो हो गई प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख ने और वो भारत पहुंच गई फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया पीर के रोज़ मगर जो स्टूडेंट मूवमेंट है बांग्लादेश में उन्होंने फ़ौज को भी अल्टीमेटम दिया कि भाई आप हरगिज इस मुल्क पे काबज़ ना होइएगा और जो आ, उन्होंने कहा एक बहुत ही मशहूर नोबल लॉरियट हैं डॉक्टर यूनस उनको नॉमिनेट किया स्टूडेंट मूवमेंट के ल, आ, लीडर्स ने उन्होंने कहा कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उस इंटरिम गवर्नमेंट में आ, को लीड करना चाहिए डॉक्टर यूनस ने फिर इतलात आई कि उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है या इस सजेशन को उन्होंने इंडोर्स कर दिया है वो एक बहुत आ, अच्छे शख्स समझे जाते हैं बांग्लादेशियों के लिए आ, लेकिन अब किस तरफ बांग्लादेश जाएगा ये आपका बुनियादी सवाल है चूँकि बांग्लादेश में जो कुछ हो गया है ख़ास तौर पर गुज्तर कुछ हफ़्तों से जो कुछ हो रहा था ये जो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही थी अब जो कुछ हो गया है सैकड़ों लोग मर चुके हैं पुलिस के भी दर्जनों और हो सकता है एक दो सौ लोग पुलिस के भी मारे जा चुके हों पुलिस ने भी अब हड़ताल कर दी है उन्होंने कहा भाई हम भी अब हड़ताल पे हैं अब इस वक्त बांग्लादेश में जो सूरत हाल है जो ट्रैफिक का कंट्रोल है वो स्टूडेंट्स ही संभाले हुए हैं और मैं मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पे भारत के टी वी चैनल्स पे ज़ज़ीरा पे जर्मन द्वचे पे फ्रांस ट्वेंटी फोर पे और दूसरे यूट्यूब्स पे मैं जो बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके मैं इंटरव्यूज़ खास तौर पर गुजतः 24 घंटों में दिलचस्पी से देख रहा हूँ कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं क्योंकि ये जो रीसेंट टर्मोइल है या ये जो मूवमेंट है जिसके नतीजा में बांग्लादेश में इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ चौबीस घंटों के अंदर रूनम हुई तो वो क्या कहते हैं वो स्टूडेंट्स भी अब एट लॉस्ट हैं मैं ये कहूँगा जब मैं उनको सुनता हूँ उनको भी समझ नहीं आ रही शायद इस हद तक वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ आएंगी चौबीस घंटों के अंदर अब पुलिस भी हड़ताल पर चली गई है फौज भी कह रही है जी ठीक है हम मार्शा नहीं लगाएंगे लेकिन ज़ाहिर है इस मुल्क को किसी ने तो चलाना है कुछ कंट्रोल हम करेंगे अच्छा बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि बांग्लादेश को कोई बहुत खौफनाक हॉस्टाइल कोई भी उसके साथ नेबर्स नहीं है आ, मतलब म्यन्मार से इशू रहता है लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने इन्वेड कर लेना है भारत की तरफ से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि भारत को ही बांग्लादेश से कुछ बॉर्डर इशूज़ हो सकते हैं लेकिन बांग्लादेशियों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि भारत कोई हमला कर देगा ऐसा कोई चक्कर नहीं है तो इसलिए बांग्लादेश की फ़ौज को ये कंसंस तो नहीं है जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनका ऑब्सेशन भारत के ख़िलाफ़ रहता है अफगानिस्तान से उनको रियल थ्रेट रहते हैं तो बांग्लादेश की ऐसी सूरत हाल नहीं है तो अब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है जब आपका मेरा ये शो ऑनियर जाएगा अब चूंकि तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से हो रही हैं कोई पता नहीं उस वक्त तक इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस हो चुकी हो लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूजडे की आफ्टरनून को कैनेडियन ई एस टी टाइम पर तो उस वक्त तक इंटरिम गवर्नमेंट अभी नहीं बनी तो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी लेकिन बांग्लादेश आगे किस तरफ जाएगा इस सवाल को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ जो आपका बुनियादी सवाल है वो ये है कि इतनी डिवीजन बांग्लादेश में आ, कुछ सालों से पैदा हो रही है और ख़ास तौर तो पर गुज्त कुछ हफ्तों से इतनी डेथ्स हो चुकी हैं कुछ चार पाँच सौ डेथ्स तो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहे हैं लेकिन आ, सोशल मीडिया पे एक हज़ार से ज़्यादा डेथ्स की बात हो रही है फिर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में वो बड़े इन्सिक्योर हैं इस वक्त तो उनके घर जलाए जा रहे हैं उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है फिर अवामी लीग जिसकी हेड यानी सबसे बड़ी पार्टी थी बांग्लादेश की जिसकी हेड शेख हसीना वाजिद थी वो तो ख़ुद तो भाग के चली गई हैं अब वो पार्टी के कारकुन उनके घर भी जलाए जा रहे हैं वो लोग भी मारे जा रहे हैं ख़ासतौर पर मंडे को ये ऐसे वाक़ कुछ ज़्यादा हुए तो अब क्या ये जो हीलिंग प्रोसेस है बंग्लादेशियों के बीच में क्या ये आगे कोई रातों रात हो सकेगा बिल्कुल नहीं हो सकेगा क्योंकि इतनी रिफ्ट हो गई है इतनी टेंशनस हो गई है इतनी डिविजन्स और ये डिविजन्स टेंशन रिफ्ट सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है ये बाकायदा तशद पर मबनी है तो बंग्लादेश जो बहरहाल मतलब अपने पाँव पर उनकी इकानमी बड़ी बेहतर चल रही थी आ, लेकिन बंग्लादेश Uh, को ये सब कुछ डील करने के लिए या चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत वक्त लगेगा बहुत मुश्किल ये येत हाल है जिसमें बांग्लादेश और बांग्लादेशी इस वक्त हैं। जब भी कोई कोई भी अनरेस्ट हो या मुल्क के अंदर इस किस्म की बेचैनी हो तो राथ तो रात चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती ख़राब हो सकती हैं ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है और इसके लिए कहावत यह है कि हूँ कर तो लिया हूँ अगों की है तो वो अगों की वाला जो है ना वो इट्स द स्टिल द पॉइंट तो चलिए अब आते हैं बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट जिस तेजी से आगे बढ़ी क्या है? इस तेजी के पीछे चीन और पाकिस्तान का भी हाथ है जैसा कि इंडियन मीडिया पे बताया जा रहा है जी जी देखिए बिल्कुल चीन और इंडिया का भी हाथ हो सकता है और यकीनी तौर पर होगा इसलिए कि ये दुनिया में नेचुरल है आज के जिस जियो पॉलिटिक्स के माहौल में हम जीते हैं जब कोई ऐसी फजा जहाँ कहीं भी दुनिया में पैदा होगी तो जो भी राइवल कंट्रीज़ हैं या जिनके इंटरेस्ट हैं वो भी इसमें आ, होंगे पार्टिसिपेंट होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेकिन मैं ऐसी तौर पर यह नहीं समझता कि इस अनरेस्ट को शुरू करने में चीन और पाकिस्तान जो हैं वो उनका बुनियादी करदार है ये ये ऑर्गेनिक लगता है जाहिर है जब कोई ऑर्गेनिक अनरेस्ट होगा या किसी किस्म की भी तब्दीली ऑर्गेनिक होगी तो फिर जो प्लेयर्स होते हैं उस रीजन में या उस देश में वो फिर फॉरन आ जाते हैं वो कहते हैं भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है ठीक है सिर्फ सोशल मीडिया पे या भारतीय मीडिया पे आ, न, हम चीन और पाकिस्तान के किरदार की बात नहीं देख रहे जो इस वक्त बांग्लादेश में है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के किरदार की बात भी है चूंकि सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है और खास तौर तो पर भारतीय मीडिया में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का भी इसमें काफ़ी हाथ हो सकता है देखिए ये सारी चीज़ें तो अब हम काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से बेसिकली स्लो स्लोली आ, ये एजिटेशन तो शुरू हो ही चुका था ना उसके बाद इलेक्शंस के बाद तो क्लियर कट ये कॉन्सिक्वेंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे कि जब इतना बड़ा ये सब कुछ होगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा ना हाँ शायद आप इशारा कर रही हैं बंगलादेश के इलेक्शन जो अभी इसी साल के शुरू में हुए जिसमें अपोजिशन जो बांग्लादेश की थी आ, उन, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था बाइकआउट किया था लेकिन देखिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें शेख हसीना भी इनोसेंट नहीं है उन्होंने भी डिक्टोरियल माइंड सेट की इंतहा कर दी उनके इस डिक्टटोरियल माइंड सेट की वजह से चीन पाकिस्तान या वेस्टर्न फोर्स को भी मौका मिला कि भाई इनकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने वाली जो अब ऑर्गेनिक फोर्सेज पैदा हुई हैं स्टूडेंट्स मूवमेंट की सूरत में उनकी मदद की जाए अच्छा मैं ये नहीं कहता कि वो ऑर्गेनिक जो मूवमेंट है वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से शुरू हो गई है देखिए अब इस पर मैं थोड़ी सी तफीली बात करूँगा अभी जो मैं स्टूडेंट्स uh, मूवमेंट के जो लीडर हैं बांग्लादेश में उनके इंटरव्यू 24 घंटों से देख रहा हूं, वो बेचारे खुद भी परेशान हैं कि भाई ये हो क्या गया? क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली की तो उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एकदम से uh, इतनी बड़ी तब्दीली होगी हो क्योंकि उन लोगों की मूवमेंट की वजह से uh, सैकड़ों लोग मर चुके हैं अब जाहिर है जिनके लोग मरे हैं उनके दोस्त उनकी फैमिलीज़ वो अब सब सड़कों पे हैं जब वो सड़कों पे है तो उनकी देखा देखी हजारों क्या लाखों लोग सड़कों पे हैं अच्छा फिर वहाँ बांग्लादेश में ठीक है उनकी इकॉनमी अच्छा अच्छे तौर से चल रही थी मगर अब हमें देखना ये है कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई मूवमेंट शुरू हुई कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ नौकरियों में जो कोटा सिस्टम था अवामी लीग का आ, के जी जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लिया था वो जो घराने हैं वो जो लोग हैं जो कई नस्लों से अब चल रहे हैं उनको थर्टी परसेंट नौकरियाँ मिलेंगी तो अब जाहिर है जो नई नस्ल सामने आई है जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन अम, का फोर्टी परसेंट वो लोग हैं जिनकी उम्रें पंद्रह साल से पच्चीस साल बताई जाती हैं अब ये फोर्टी परसेंट लोग हैं और ये ही सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक लोग होते हैं इसी एज के लोग और सबसे ज़्यादा इनके अंदर ही सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होती है कि भई हमें नौकरियों का हमारा क्या होगा अच्छा ठीक है बांग्लादेश की इकोनमी बेहतर चल रही है सब कुछ आ, अच्छा चल रहा है लेकिन उन बच्चों के पास तो नौकरियाँ नहीं हैं या उनको आ, आगे नौकरियां मिलने का इम्कान कम नज़र आता उनको लगता है कि थर्टी परसेंट जब कोटा सिस्टम आ, में आ, मिल जाएंगी अवामी लीग के ही सपोर्टर्स को तो हम कहाँ जाएंगे अच्छा ये एक बुनियाद है अच्छा उसके साथ साथ ये हैं स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक कैसा सोच रहे थे फिर जो जमात इस्लामी के वहाँ पे लोग हैं जिनको वहाँ की दहशतगर्द तंजीम करार दिया जिन्होंने बांग्लादेश की मूवमेंट बनने की मूवमेंट के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया था वो भी इसमें कूद पड़े अब वो भी कूद पड़े और भी बहुत सारी एकदम से आ जाती हैं।, हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगेन यही है कि माशी सूरत हाले खास तरह से तो अच्छी है लेकिन अवामी सतह के ऊपर जब आप इतनी ज्यादा डेप्रिवेशन कर देंगे इतनी ज्यादा फर्क कर देंगे तो वो किसी भी कोई भी सोसाइटी हो कितनी भी मजबूत हो वो इसकी मुतमल तो नहीं हो सकती अब सिचुएशन ये है बंगलादेश में एक ऑर्गेनिक मूवमेंट शुरू हुई मैं उसको ऑर्गेनिक ही कहूँगा नेचुरल मूवमेंट जो यंगस्टर किया वो पंद्रह साल से पच्चीस साल के जो लोग हैं वो फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन का हिस्सा है यही सूरत हाल बाई वे पाकिस्तान में है और ऐसी ही सूरत हाल आ, इन, इंडिया में है यंग लोगों की बहुत बड़ी परसेंटेज है अब यही लोग जैसा मैंने पीछे कहा बहुत एनर्जेटिक होते हैं और इनके बड़े कंसर्नज होते हैं अब बांग्लादेश में देखिए एक हिस्ट्री रही बांग्लादेश जब बना था तो उस वक्त भी बड़े बहुत बड़े बड़े, बड़े प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थीं इसीलिए वो मुल्क बना था ऐसे वो मुल्क नहीं बना था मुक्ति बहानी बनी पाकिस्तान की एक ब्रूटल बुचर आर्मी थी उसका मुकाबला किया बंगालियों ने एक देश बनाया मगर आप 1971 से बांग्लादेश की अब तक की हिस्ट्री देख लीजिए वहाँ पे बौचाल ही रहे हैं खौफनाक बौचाल और वो बड़ी ही ब्रूटल हिस्ट्री चली है उनके यहाँ तो इस सारी सूरत हाल के तनाजर में अगर हम ये देखें कि भाई इस सारी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान और चीन ने इस सारे डिसरप्ट मामले को ऑर्गेनाइज किया है महनी समय तक उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया या वेस्ट ने किया वो बंग्लादेश के अपने हालात थे जिसने इस सारे लावा को हटने में आगे मदद दी है हाँ थोड़ी बहुत मदद फिर जाहिर है फिर जब देखते हैं जैसा हम पीछे कह रहे हैं ये जब रीजनल प्लेयर्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट होते हैं और ये दुनिया के हर रीजन में होता है दुनिया के हर कोने में ऐसा ही होगा कि जब कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट होगी और वो आगे कामयाब चली जाएगी तो फिर उसकी मदद के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी फोर्सेज आएंगी और वो अपना काम दिखाएंगी लेकिन अब यह है कि बांग्लादेश इस स्टेज पे पहुंच चुका है जिस स्टेज पे है अब जो मर्जी हम बातें करते फिरें अब देखने वाली बात यह कि इस स्टेज से बांग्लादेश कैसे बाहर निकलेगा और कैसे आगे जाएगा और कितनी जल्दी निकल सकेगा चलिए बांग्लादेश में बाबा आजादी शेख मुजीबुर रहमान के मुजसमे मज, गिराए जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की नई नस्ल अपने देश के बानी को भूल जाना चाहते हैं ऐसा क्यों सो री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री देखिए बांग्लादेश में जो बंगू इनके कहा जाता है बंगला बंगू शेख रहमान उनके मुजस्मे गिराए जा रहे हैं मिसमार किए जा रहे हैं हम सब ने देखा लोग हथौड़े लेके मुजस्मों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा पचास साल बाद बांग्लादेश में हुआ है 1971 में यह मुल्क बना था पाकिस्तान की बुचर आर्मी से आज़ादी हासिल की थी भारत की मदद से इन्होंने और फिर कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजर रहा था कि 1975 में सिर्फ चार सालों के बाद इसी बाबाय बांग्लादेश को अपने पूरे फैमिली के साथ मार दिया गया था तो मुजस्मा तो छोटी चीज होता है इनको तो मतलब जिंदा शेख मजीबु रहमान को बांग्लादेश की आर्मी ने कू करके गोलियों से न सिर्फ अकेले मजीबु को मारा था बल्कि जितने उनके फैमिली के मेंबर्स थे जो शायद सत्रह अठारह लोग थे सबको मार दिया था शेख हसीना इनकी बेटी और उनकी दूसरी बेटी शेख रेहाना वो खुशकिस्मती से बच गए थे चूँकि ये दोनों बेटियाँ उस वक्त बांग्लादेश से बाहर थी दोनों बांग्लादेश से बाहर थी तो इसलिए बच गई अब किसी का यह कहना कि यह एहसान फरामोश कौम है जिसने अपने बानी के मुजस्मे को मार मतलब नीचे गिरा दिया या और मुजस्मों को गिरा दिया भाई मैं तो बात कर रहा हूँ जिंदा शेख रहमान की इससे हम एक दूसरा एंगल भी देख सकते हैं आपने नई नस्ल की बात की बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नई नस्ल जो है ख़ास तौर पर ये पंद्रह से पच्चीस साल के जो बच्चे हैं और जो ये स्टूडेंट लीडर हैं ये तो पचास साल पहले जिंदा मतलब जिंदा क्या ये तो पैदा भी नहीं हुए थे ये तो मतलब पच्चीस तीस साल के मैक्सिमम ये बच्चे हैं जिन्होंने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की और कोटा सिस्टम किसका लाया हुआ था अवामी लीग का था कि जी हमारे ये जो शहदात हैं उस वक्त के 1971 के और जिन्होंने मुक्ति बाही में अपनी जदोजहद की उनकी जो नस्लें उनको हम नौकरियाँ देंगे ये बच्चे कहते हैं कि हु केयर्स अबाउट डेट ये मुल्क जो है वो सबका मुल्क है अच्छा इसमें ये बच्चे गलत नहीं हैं अब मतलब ये जो है ना एक हाइपर पैट्रट्रज़म पूरी दुनिया में कि जी ये हमारे बानी थे जैसे पाकिस्तान में ये मोहम्मदली जना बानी थे तो मोहम्मदली जना को हालांकि बरतानिया ने इंस्टॉल किया था अब मोहम्मद जना के बाकी नस्लें जो हैं क्या हम उनके पाँव चाटते रहे और बाय द वे मोहम्मद अली हिमसेल्फ कंट्रोवर्शियल डेथ है उनकी बहन जो फातिमा फातमा जनाजीकली बहुत एक्टिव थी उनका पॉलिटिकल आप देख लीजिए करियर नहीं, तो और ठीक सब... है ना मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी होता है कि मतलब ये जो एक है न मैंटेलिटी खासतौर पर साउथ एशिया में और फिर मुसलमान मुल्कों में कि जी को सुल्तान मलका और उनकी नस्लें जो हैं वो हम करेंगे भाई इतने ये गरीब मुल्क हैं इतने मसाइल हैं क्या ये आज की बांग्लादेश की नई नस्ल मैं ये खुल के कहूंगा कि क्या अवामी लीग के लोगों के पहुंचाटे देखिए फ्रेंकली अवामी लीग के अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पे वो भी हम आगे जाकर थोड़ा डिस्कस करेंगे लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि बेतहाशा करप्शन भी रही आ, शेख हसीना कि ये जो तीन दौर ऊपर तले अभी गुजरे हैं इससे पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं मगर ये पंद्रह साढ़े पंद्रह साल से वो प्राइम मिनिस्टर चली आ रही हैं बेतहाशा करप्शन भी रही खौफनाक क्रैकडाउन भी रहा और उसके बाद आप कैसे तोक़ो कर सकते हैं कि आप पंद्रह साल से इकतदार में हैं बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर आप ने और आपकी पार्टी के लोगों ने लूटे हुए हैं और वो फिर पंद्रह साल उसी दौरान जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही पंद्रह साल से तीस साल के ये बच्चे हैं ना जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई शेख मजीबुर ने मुल्क बनाया बड़ी मेहरबानी बना दिया लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस मुल्क बनाने की आ, के रिवार्ड में करप्शन जारी रखें पॉलिटिकल क्रैक डाउन जारी रखें मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा साउथ एशिया के हवाले से देखिए ये सारे जो मसाइल हैं यंग जनरेशन भारत में भी है इसी रेशो में आलमोस्ट पाकिस्तान में भी है श्रीलंका में भी है बांग्लादेश में भी है तो क्यों भारत इन सब चीज़ों से बचा हुआ है उसकी वजह यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में बोलती रहती हैं इलेक्शन कैंपेन में बोलती रहती हैं मगर जब इलेक्शन होता है तो फिर इलेक्शन होता है मैं इसी तरफ जब वो हम उस तरफ जाएंगे लेकिन मैं उसके हवाले से थोड़ी बात एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ जब वो इलेक्शन फेयर होते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है फिर उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट इस तरह के वायलेंस की गुंजाइश नहीं रहती आप याद कीजिए फार्मर प्रोटेस्ट दो हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिछली यानी सेकंड जून की टर्म थी उसके दौरान वो दोनों फार्मर प्रोटेस्ट जो हैं फार्मर्स ने किया हुकूमत के ऊपर अटैक पहले प्रोटेस्ट में लेकिन हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया फार्मर्स के खिलाफ जो होता है ना खौफनाक वाला क्रैक डाउन बाकी लाठी चार्ज ये वो ये तो अमेरिका में कैनेडा में 24 घंटे होता है जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन हुकूमत ने नहीं किया हुकूमत ने फुल उनको प्रोटेक्शन दी है इसी तरह शहीन बाग का मेरा ख्याल को डेढ़ दो साल प्रोटेस्ट चलते रहे हकूमत ने बस उनके खिलाफ बयानबाजी होती रही जी ये हैं ये गलत लोग हैं फलां हैं ढीम हैं मगर ये नहीं है कि कोई मतलब हुकूमत का कोई क्रैक डाउन हुआ हो कोई आर्मी पहुंची हो जो शहीन बाग का प्रोटेस्ट था वो तो कोविड की वजह से खत्म हुआ था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो श्रीलंका हो इनको इंडिया से सीखना चाहिए वहाँ इलेक्शन फेयर होते हैं अपोजीशन को दबा के नहीं रखा जाता अपोजिशन आप आप देख लीजिए अभी इलेक्शन हुआ ठीक है ना पूरी सोसाइटी की Uh, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सिस्टम में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी फेयर शेयर नहीं होगा उस वक्त तक आप बहुत सारी चीज़ों को uh, हल कर ही नहीं सकते ऑफ कोर्स बाकी सब चीजें तो उसके बाद शुरू होती हैं पहले तो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शमूलियत आपकी पूरी जितने भी डिफरेंट एरियाज के लोग हैं उन सब की शमूलियत उन सब की राय उन सब का आपके फैसलों के अंदर कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है अगर वो ये पहला स्टेप मैं समझती हूँ है जिसके बाद बहुत सारे और वो जैसे एक और दरिया का सामना था मुझे मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने जाना लेकिन पहला कदम तो हम रखे ना वो पहला कदम नहीं होगा तो आप खुद ब खुद दावत दे रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की अपनी कंट्री के अंदर तो बहरहाल अब ये है कि मैं जो कह रहा हूं कि साउथ एशिया के इन मुल्कों को भारत से सीखना है अगर ये अपोजिशन को दबाएंगे जैसे बांग्लादेश में दबाया अब ये कहना जी कि ये जमात इस्लामी के लोग हैं या ये रज़ाकार हैं गैर मुहब वतन हैं भाई इस तरह तो बातें नहीं बनती ना अब भारत में ठीक अब जैसा मैंने कहा बयानबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलती है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या फलाँ है या ढीम है मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो उन सबको को दबा दिया जाता है उनको मकमल तौर पर आज़ादी होती है इलेक्शन कैंपेन में भी जवाबी कार्रवाइयाँ करने की जवाबी हमले करने की मतलब बातचीत के हमले और फिर वो इलेक्शन में फिर इलेक्शन होते हैं फिर रिज़ल्ट आते हैं हमने अभी भारत के इलेक्शन के रिजल्ट जून में देखे कितने फेयर आए और बीजेपी की सरकार भी एक तरह से थोड़ी हिल गई मगर इलेक्शन ठीक हुए तो फिर तो फिर तो उसमें क्या है कि फिर उसके बाद ना लोगों के मतलब रिवेंज नहीं होते चलिए इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या बांग्लादेश की सूरत हाल के असर भारत पर किस तरह हो सकते हैं या नहीं होंगे या कैसे मरत तो होंगे देखिए भारत की सरहदें बांग्लादेश के साथ मिली हुई हैं बहुत पोरस रहते हैं भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में अहम करदार अदा किया इस बात का इकरार बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने किया था अब ये जो खालद ज़िया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी अब जो ख़बरें आ रही हैं उनको रिहा करने का बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने हुक्म दे दिया है वो रिहा हो जाएंगी वो भी इकतदार में रही हैं उनके जो हस्बैंड थे वो जनरल रहमान वो भी बंगलादेश में एक असैसिनेशन के दौरान मारे गए थे बांग्लादेश में जो डिफरेंट कू आए हैं उन कू में भी जनरल रहमान का भी वन ऑफ द कू में बड़ा अहम किरदार था तो अब वो जेल में हैं उनके ऊपर भी पता नहीं कोई दर्जनों मुकदमात बने हुए हैं करप्शन के और ये दोनों जो मैडम्स हैं शेख हसीना और खालदा जियाज़ ये एक दूसरे के बहुत ख़िलाफ़ रही हैं अब ये देखिए एक तो साउथ एशिया में ईगो बेस पॉलिटिक्स और रिवेंज बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत होती है बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली अपनी पचास साल हिस्ट्री में इस पॉलिटिक्स से भरा पड़ा हुआ है अब शेख हसीना भागी हैं मुल्क से जान बचा के तो अब जाहिर है खालदा जिया रहा हो रही हैं और जो अगली गवर्नमेंट जाहिर है अगला इलेक्शन अनाउंस होगा इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी अभी तो और फिर अगला इलेक्शन अनाउंस होगा फिर ये लोग शायद हो सकता है आ जाएं और भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सिर्फ ये अवामी लीग या बीएनपी ही नहीं है और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इन सब के अलाइंस से क्या अगली सरकार बनती है क्या सिचुएशन होती है तो इन पार्टियों के भारत के साथ नॉर्मली अच्छे तलक्य नहीं रहे वामी लीग के अच्छे तल्लक रहे हैं अब भारत पे जो सबसे बड़ा असर तो अभी इमीजिएट पड़ रहा है वो शेख हसीना की भारत में मौजूदगी है इसलिए कि शेख हसीना काफ़ी अनपॉपुलर होकर भागी हैं और भारत पहुंची हैं अब जो हिंदू माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश में उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं ये बड़ी कंसर्निंग बात है अब जब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी भारत से आगे यूएई या किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं जाती तो लोगों का गुस्सा भारत के ख़िलाफ़ बढ़ता रहेगा जिसका जो असर होगा वो पहले तो हिंदू कम्युनिटी बेचारी जो बांग्लादेश में रहती है उस उसमें ज़्यादा पड़ेगा वो ऑलरेडी पड़ रहा है ऐसा नहीं है कि ये कुछ चंद हफ्तों से हिंदू कम्युनिटी पे बुरा असर पड़ रहा है वो ऑलरेडी हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे ऑन रैकेट है पचास सालों से ही उनके साथ बुरा सलूक बढ़ता चला जा रहा है ये एक शर्मनाक बात है ये बांग्लादेश की तमाम सिविल लिबर्टीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उन सब के लिए ये शर्म का मुकाम है डूब मरने का मुकाम है ये कोई सिर्फ और सिर्फ मतलब इस दौरान नहीं हुआ चंद हफ़्तों के दौरान इवन मतलब अवामी लीग की हकूमत पंद्रह साल तो हसना शेख ही रही है ना इससे पहले भी ये सरकार में दो बार रही है तो इनकी सरकारों के दौरान भी हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ अब भारत में ये समझा जा रहा है कि भाई शेख हसीना जैसी तैसी भी थी आ, इनके दौर में हमारे हिंदू जो बरदरी थी बांग्लादेश उनके साथ अच्छा सलूक इनके दौर में भी नहीं होता था मगर फिर भी ये हॉस्टाइल नहीं थी भारत की तरफ लेकिन अभी कुछ महीने पहले ये भारत आई भी थी और उससे उसके बाद भारत आने के बाद ये चीन चली गई थी तो वो भी अपना बैलेंसिंग एक्ट करती रहती थी करना चाहिए मतलब हर हर देश के लीडर करते हैं आई डोंट ब्लेम हर आई डोंट ब्लेम एनी वन ऑन एस नी चूंकि हर एक को अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये है कि जैसी तैसी भी अवमी लीग की हुकूमत थी भारत को बांग्लादेश से थ्रेट्स कम थी अब चूंकि अवामी लीग की हुकूमत नहीं है और ना सिर्फ हुकूमत नहीं है बल्कि अवामी लीग के खिलाफ वहाँ पे बहुत फज़ा है जिसके नतीजा में अब भारत को और भारतीयों को ये ख़तरा है कि भारत के ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो ऑलरेडी काफ़ी है बांग्लादेश में वो और हॉस्टाइल ना हो जाए लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और इतना पावरफुल देश है वो इसको हैंडल कर लेगा क्योंकि भारत भी बांग्लादेश को तमाम मसाइल के साथ पचास सालों से हैंडल कर ही रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई दिक्कत होगी बांग्लादेश की तब्दीलियों की वजह से मगर भारत के ऊपर एक एक इजाफी बोझ आ जाएगा कि उनकी सिक्योरिटी इदारे उनके इंटेलिजेंस के इदारे उनका मीडिया ज़रा अब ज़्यादा हाई अलर्ट रहेगा बांग्लादेश के हवाले से मगर भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी हैंडल करने के हवाले से जो भी चैलेंजेस बांग्लादेश से आएंगे और बांग्लादेश जो भी हुकूमत बनेगी आगे उसको भी ये एहसास होगा कि भाई भारत के साथ ज़्यादा पंगे करके भी वो बेहतर तौर से उस रीजन में तरक्की नहीं कर सकते उनकी इकॉनमी का दारो मदार भी भारत के ऊपर काफ़ी है तो ये ये मेरा ख्याल है अभी ये ये जो सारी सिचुएशन कुछ महीने रहेगी बहरहाल बंग्लादेश के हालात को भी रिलेटिवली सेटल होना है और भारत भी मैनेज कर लेगा चलिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी बांग्लादेश की सूरत हाल को पाकिस्तान के साथ क्यों मिला रहे हैं ख़ास तौर पर पीटीआई के ये लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है इस बात के कितने इम्कान हैं क्योंकि ये सब रिलेटेड जी जी हैं बिल्कुल लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है बड़ा अहम आपने सवाल किया सोशल मीडिया पे अगर हम देखें जो पाकिस्तानी और ख़ास तौर तो पर सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोग काफ़ी एक्टिव हैं और वाकई पीटीआई पाकिस्तान में मेजॉरिटी की मतलब फेवरेट पार्टी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हुआ अब देखिए ना पीर के रोज़ जिस तरह अटैक हुआ प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख के घर के ऊपर नौजवान अंदर घुस गए और वहाँ वो बिरयानी खा रहे हैं चीज़ें चुरा रहे हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं और शेख हसीना के बेडरूम तक पहुंच गए नौजवान और वो वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं कि वो बेड पे लेटे हुए हैं ऐसा ही कुछ कोई साल सवा साल पहले पाकिस्तान में 9 मई को हुआ था 9 मई को जब ये हुआ तो उन्होंने आर्मी लाहौर में जो आर्मी का कोर कमांडर का घर है उस पर इसी तरह अटैक किया था और उसी तरह बिरयानी खाई थी तो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ ये हुआ है पीर के रोज़ यानी 5 अगस्त 2024 को वो पाकिस्तान का 9 मई 2023 है मैं नहीं ऐसा समझता क्योंकि पहली बार जिन्होंने बांग्लादेश में अभी दो रोज एक दो रोज पहले ये सब कुछ किया है वो तो उसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि हाँ हमने किया है वो कह रहे हैं हमने फख्र से किया अब उधर पी वाले तो ऑनरशिप नहीं ले रहे वो कह रहे हैं कि नो, नो 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 हमने तो किया ही नहीं ये जो कुछ हुआ था 9 मई 2023 को वो तो आर्मी ने खुद ही कराया था वो तो वो तो उनका जाली मतलब ऑपरेशन था जो हमारे न, उन्होंने नाम पे थोप दिया तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लोग ठीक है पाकिस्तान में अक्सरत में है मगर उनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपनी किसी किस्म की कोर्ट अन कोर्ट रेवोल्यूशनरी कार्रवाई को वो ऑन भी कर सकें बांग्लादेश में एक हिस्ट्री है बड़े बड़े प्रोटेस्ट की बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट होते थे लैंग्वेज का मसला था या कोई भी मसले थे वहाँ पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे और फिर बांग्लादेश बनने के बाद अब तक बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और ये जो अभी तक का जो ये जो मामला चल रहा है स्टूडेंट मूवमेंट का पाकिस्तान में ऐसा एक भी प्रोटेस्ट इस लेवल का प्रोटेस्ट पाकिस्तान बनने से अब तक नहीं हुआ दो वाकियात हैं इवन देखिए आप याद कीजिए जुल्फ़ार अली भट्टो जो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर लीडर थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया पाकिस्तान की आर्मी ने क्या हुआ छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए कुछ भी नहीं हुआ इतना बड़ा वाक़ हुआ कुछ भी नहीं हुआ अच्छा फिर ये इमरान ख़ान के ज़माने में कुछ वाक़ हुए कि इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए जब पाकिस्तान की फ़ौज उनको पकड़ना चाहती थी शुरू के दिनों में तो हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच जाते थे इमरान के घर के बाहर पकड़ने नहीं देते थे पुलिस गई नहीं पकड़ सके लेकिन वो भी बस ऐसे मोमेंटेरली था जब पाकिस्तान आर्मी ने तय किया कि हमने पकड़ना है पकड़ा फिर उन्होंने जब पकड़ा पाकिस्तान आर्मी ने मई में 2023 में उसके बाद फिर मतलब तहरीक साफ़ के लोगों ने प्रोटेस्ट किए जीएचक्यू के बाहर गए क्योंकि बांग्लादेश में आर्मी इस वक्त स्ट्रांग आर्मी नहीं है पहले कभी हुआ करती थी बांग्लादेश में तो शेख हसीना थी पंद्रह साल से तो बंगालियों के प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ थे आर्मी के खिलाफ नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि शेख हसीना ही पावरफुल फिगर है उधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को पता था और है कि आर्मी पावरफुल है वहाँ पर शबाज शरीफ की तो कोई हैसियत नहीं है तो इसलिए नौ मई को उन्होंने जी एच क्यू के बाहर प्रोटेस्ट किया और भी जो आर्मी के जो तंसीबात थीं या जो लोकेशंस थी इन डिफरेंट सिटीज़ इन पाकिस्तान वहाँ प्रोटेस्ट किए गए फिर उसके बाद उन्होंने हलाया पाकिस्तान के निजाम को पी टी आई वालों को उनका ये क्रेडिट जाता है पहली बार कोई प्रोटेस्ट थे जो मैंने देखे पाकिस्तान में इस लेवल के मगर साथ ही यू टर्न ले लिया पी टी आई जब उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो किया ही नहीं ये तो आर्मी ने खुद ही किए थे हम तो मासूम हैं यानी वो भाग गए डर गए मगर बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ बंगाली नहीं डरे उन्होंने कहा हम ऑनरशिप लेते हैं अभी आप देख लीजिए उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा हम काम नहीं करेंगे चूंकि हमारे दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं हमारे पुलिस थानों पे 450 पुलिस थानों पे ये जो आम बांग्लादेशियों ने हमले किए तो हम तो हड़ताल पे चले गए तो स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है वी डोंट केयर हम ट्रैफिक का इन्हें इंतजाम संभालेंगे तो पाकिस्तानी ये जो ड्रीम करते रहते हैं ना कि कभी उधर कोई प्रोटेस्ट हुए म्यांमार में अच्छे पावरफुल हुए ना हम भी ऐसा करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे श्रीलंका में वो घुस गए थे जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत अपनी इंतहाओं को छू रहा था तो शहरी सदर के पैलेस में घुस के पाकिस्तानियों काम भी करेंगे बस काबिल नहीं है उन्होंने की की इसमायल हानिया के हिलात के बाद की जंग को आप कितना और फैलता हुआ देखते हैं देखिए पिछले हफ्ते जब मैं और आप बातचीत कर रहे थे उस वक्त मंडे का दिन था उस वक्त तक ये वाक़ नहीं हुआ था फिर उसके कुछ घंटों बाद ये वाक़ हो गया बहुत बड़ा वाक्य था खौफनाक वाक़ था हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर मार दिया गया और आ, उसकी जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल तो नहीं की लेकिन पूरी दुनिया समझती है कि ये ऑपरेशन इसराइल का था और उसके शायद कुछ घंटे आस पास हिजबुल्ला के एक बड़े ही अहम कमांडर को भी लबनान में बैरूत में मार दिया था इसराइल ने अब ये सिचुएशन चल रही है उसके बाद हिजबुल्ला ने कुछ मिज़ाइल दागे हैं अब ईरान जाहिर ईरान की प्रस्टीज का मसला है कि भाई ईरान के अंदर मार दिया इसमें सबसे अहम बात यह है कि ईरान की सिक्योरिटी इतनी बेकार निकली कि वो अपने एक बहुत बड़े प्रॉक्सी लीडर हमास के लीडर को तहफ़ फ्राहम नहीं कर सकी और कई खबरें आई कि जी वो बम तो दो महीने से उस गेस्ट हाउस में सदर का वो गेस्ट हाउस है ईरान के सदर का उसमें ऑलरेडी था तो भाई वाकई ही इसमें इस ईरानी इस सिक्योरिटी किया बहुत बड़ा फेलियर है और अब ख़बरें आ रही हैं कि ईरान में सिक्योरिटी के कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और ईरान के अंदर भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन अब ईरान क्या एक्शन लेता है ईरान भी इस पोजीशन में नहीं है को बहुत बड़ा एक्शन ले चूंकि ये जो कुछ अब मिडल ईस्ट में हो रहा है इसमें ये रियलिटी भी है कि नतन याहू काफ़ी अनपॉपुलर अपने ही देश इसराइल में हो चुके हैं मगर जब ये कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं तो फिर नतन याहू की पॉपुलरिटी का ग्राफ ऊपर जाता है या अगर ऊपर ना भी जाए तो फिर इसराइल कहते हैं कि भाई इस सूरत हाल में अब हम ये तो हुकूमत तो बदलने से रहे तो अमेरिका भी फिर जब देखता है कि सूरत आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो इसराइल का ही साथ देगा वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसराइल का साथ देगी चीन और रूस कहने की हद हाँ तक इसराइल की एक तरह से कंडमनेशन कर देते हैं मजम्मत कर लेते हैं मगर वो भी कोई जंग तो नहीं करना चाहेंगे चूँकि रूस तो ऑलरेडी यूक्रेन में फंसा हुआ है और या यूं कहना चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड और यूक्रेन रूस के साथ फंसे हुए दोनों के लिए पोजीशन बहुत मुख्तलिफ है तो अब ये जंग कितनी और फैलेगी इसमें कई बातें चल रही हैं कोई कह रहा है जी थर्ड वर्ल्ड वॉर चली जाएगी मुझे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर इससे ज़्यादा यूक्रेन और रूस यानी यूक्रेन और रूस की जंग तो वेस्टर्न वर्ल्ड और रूस की डायरेक्ट जंग है मुझे तो उसमें ज़्यादा दिखती है लेकिन उसको भी अब रशिया भी चाह रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड भी चाह रही है कि उसको कंटेन किया जाए और हमें दिख रहा है कि वो कंटेन हो रही है थोड़ी थोड़ी और इस जंग से निकलना चाह रही हैं पार्टियाँ अब यहाँ से भी मिडल ईस्ट से भी जाहिर है निकलना चाह रहे हैं मगर हमास के लिए भी कोई रास्ता नहीं है हमास की टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है जो द मोस्ट टॉप लीडर था वो मारा गया ईरान के अंदर तो उनको भी अब नज़र आ रहा है कि इसराइल भी स्पेयर नहीं कर रहा चूँकि नतन याहू भी ये सोच रहे हैं कि भाई अब कब तक हम जंग बंदियाँ करेंगे और फिर सारे साइकिल को जीरो से शुरू करेंगे वो कह रहे हैं हम इस जगह तक आ गए हैं हमारे ऊपर इतने खौफनाक इल्जाम इंटरनेशनल कम्यूनिटी के हैं हम भी नहीं रुकेंगे जो भी हो सकता हम चली करते चली चले जाएंगे सारे में क्या जंग हल हो सकता है नहीं देखिए मसला ये है कि पीस स्टॉक के जरिए भी तो अब तक कुछ नहीं हल निकला ना सत्तर पचहत्तर सालों में कितने वो पीस स्टॉक के मुहदे हुए हैं तो उससे भी कुछ नहीं निकला अच्छा फिर मसला सिर्फ इस जंग में इसराइल और अरबों का नहीं है पहले कभी हुआ करता था आज से 30 तीस चालीस साल पहले अब ये जंग इसराइल और हमास और हिजबुल्ला की जंग है या इनफेक्ट इसराइल और ईरान की जंग है सऊदी अरब भी यू ए भी बहरीन भी ओमान भी इवन चुपके चुपके खामोशी से बहरीन के अलावा ये तो खैर साथ हैं जराइल के ये ईरान के खिलाफ हैं और इवन कतर भी जो मतलब बात करता है फलस्तनी की वो भी वह आम फलस्तनी को कतर भी अपने अंदर घुसने नहीं देता इवन कतर भी कवेत भी ये भी जो देश हैं ये भी ये चाहते हैं कि भाई ये मुस्लिम ब्रदरहुड का हमास मुस्लिम ब्रदरहुड है हैजबुल्ला भी अब वो मतलब मतलब हिजबुल्ला शिया मलेशिया ग्रुप हैं मगर वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियालॉजी से इंस्पायर्ड है तो ये सारे अरब मुल्क भी चाहते हैं कि इनका कला कमा हो तो ये बड़ी मुख्तलिफ़रतल है इस बात को अमेरिकन भी समझते हैं अब कई लोग ये कहते हैं जी कि नहीं असल में ये अमेरिकन कैंप में है सऊदी अरब यू ए वगैरह इसलिए वो इसराइल के साथ हैं नहीं वो अमेरिकन कैंप की वजह नहीं है वो खुद इनसे इतने तंग हैं ये इस्लामी इंतहा इन पसंदों से वो तरक्की कर रहे हैं देश वो और तरक्की करना चाहते हैं वो कहते हैं ये बीच में राह की रुकावट बने हुए हैं जहादी तो वो जहादियों देखिए ना हमास ने जो सात अक्टूबर दो हजार तेईस को टेर्रिज़्म की थी वो सऊदी अरब और इसराइल के जो पोटेंशल जो तल्लक अच्छे होने थे जो मुजाकर होने जा रहे थे पोटेंशल उसको रोकने के लिए किया उन्होंने अब वो ज़ाहिर सारी सारी सूरत हाल कठनाई में पड़ गई इस सारी सूरत हाल में अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सऊदी अरब आ, और यू ए और इन मुल्कों की जो आ, मतलब ये तंग हैं बेजार हैं इन जहादियों से इस सूरत हाल को समझता है इसराइल भी अमरीका के कैम्प भी इवन रशिया भी रशिया भी रशिया के बहुत अच्छे तल्लक हैं यू ए सऊदी अरब वगैरह के साथ तो वो भी समझता है कि भाई मुझे बयानबाजी तो करनी है लेकिन जहादी सूट नहीं करते तो ये जो सब ऑपरेशन चल रहा है चाहे हमास का लीडर का मारा जाना हिजबुल्ला का जिनको सपोर्ट ईरान कर रहा है ईरान भी अब देख रहा है कि भाई मैं कितना कितनी की जंग मोल ले सकता हूँ तो अब कहा तो जा रहा है कि ये जंग बड़ी फैल सकती है फैल भी सकती है लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ये बहुत फैलती नज़र नहीं आती मुझे लगता है बस ये कार्रवाइयाँ टिट फुटैट चलती रहेंगी दिखावे की कार्रवाइयाँ चलती रहेगी और इसराइल अपना असल ऑपरेशन यानी जहादियों और उनके सपोर्टर्स का मैक्सिमम खात्मा करेगा चूंकि इसके अलावा इसराइल इस लेवल पर आगे जा चुका है इस जंग में। वो वापसी के जाने में मूड में नहीं है। बरतानिया में इमीग्रेंट्स और फार ग्रुप्स के बीच में मामला बिगड़ते जा रहे हैं और एलान मस्क और बरतानवी हुकूमत के बीच सख्त रिमार्क्स का भी तबादला हो रहा है तो फिर आप इन तमाम मामला के ऊपर क्या तबसरा करना फसल करेंगे देखिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल है एलॉन मस्क और बरतानवी हुकूमत के बीच ये जो कुछ घंटों से बड़ी सख्त रिमार्क्स का एक्सचेंज हो रहा है वो सारी जो असल सूरत हाल है इमिग्रेंट्स और फार ग्रुप्स के बीच की है अब सिंपली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का ये कहना अमेरिका हो कैनेडा हो यूरोप हो जी फार के जो लोग होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं तो मतलब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे वो उनके अपने लोग हैं इनके अपने ही कोट अंड कोट वाइट कॉकेशन लोग उनको कह रहे हैं जी, ये जी वो फार के लोग हैं मगर एलान मस्क इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ फार राइट्स की बात नहीं है ये रियल टेंशन है ये कल्चरल जो कलैश हैं जो इमीग्रेंट्स कई दहाइयों से यहाँ पे सेटल हो रहे हैं उनके और जो सेटलर कम्यूनिटीज हैं उनके बीच में अब ठीक है यहाँ की जो लेफ्ट की जो सोशलिस्ट टाइप पार्टीज हैं अमेरिका हो कनाडा हो यूरोप हो वो कहती हैं जी कि नहीं हम फार राइट्स के ग्रुप के खिलाफ हैं वो ठीक है लेकिन अब जो जनता है वो भी तंग आ रही है कि ये जो इमिग्रेंट्स के नए नए ग्रुप्स ड्यूरिंग द पास्ट थर्टी फोर्टी फिफ्टी ईयर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी अब सेकंड थर्ड जनरेशन्स भी आ गई हैं वो तब्दील नहीं हो रहे उनके ख्याल जो हैं अपनी अपने नए देशों के बारे में वो मुख्तलफ़ हैं नए देशों के कल्चर के बारे में मुख्तलि हैं ख़ास तौर पर हमने ये इसराइल और हमास की जंग के तनाज़ा में देखा जिस तरह के प्रोटेस्ट अब जाहिर है कर रहे हैं फार लेफ्ट के लोग उनके साथ इस्लामिस्ट ग्रुप तो वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको जो वेस्टर्न दुनिया के जो लोग हैं चाहे वो फार राइट के ना भी हों चाहे वो सेंटर राइट के हों इवन सेंटर लेफ्ट के हों वो लोग पसंद नहीं कर रहे कह रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है ये यहाँ पे फलस्तीन बन रहा है तो इस सारी सिचुएशन में वो मतलब एक रिवॉल्ट uh, है पैदा हो रहा है और तौर पर बरतानिया जहाँ पर इमीग्रेंट्स कम्यूनिटी ख़ास तौर पर साउथ एशिया की कम्यूनिटी अफ्रीका की कम्युनिटी एक लंबे अरसे से रह रही हैं तो वहाँ पर यह टेंशन लंबे अरसे से चली आ रही है लेकिन अब ये टेंशंस बढ़ गई हैं इतनी बढ़ गई हैं कि अब बरतानिया की जो नई लिबरल आ, सरकार है लेबर पार्टी की जो सरकार है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया अब वो तो जैसे सरकारों का एक तरीका कार होता है वो तो यही कहेंगे ना कि हम बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की हारमोनी के ख़िलाफ़ बातें पॉलिटिशियंस की यही लैंग्वेज होती है आई डोंट ब्लेम दैम वो उनको ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए मगर उनको अंदरूनी तौर पर ये समझना चाहिए कि भाई मामला इतने सादा नहीं है कि ये सिंपल कोई फार राइट के कोई ग्रुप आ गए उन्होंने कर दिया ये एक गुस्सा है जो चला आ रहा है तो देखिए ये जो सिचुएशन है इमिग्रेंट्स की और जो जिनको फार राइट right के ग्रुप्स का कहा जा रहा है इनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ये बैठें आपस में और ख़ास तौर पर जो इमीग्रेंट्स की कम्युनिटीज हैं वो भी ज़रा लचक का मुज़ाहरा करें थोड़ा अपने आप को वेस्टर्नाइज करें आ, अपनी डेढ़ इंड की मस्जिद में रहना चौबीस घंटे ठीक नहीं है और ये मसला ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी से आ रहा है देखिए हमें याद करना होगा कि ये जो अभी जो राइट्स बढ़े हैं इसके पीछे वजह क्या वजह ये है कि तीन बच्चियाँ एक डांस क्लब था बच्चों का वहाँ पे एक लड़के ने जिसकी उम्र सत्रह साल बताई जाती है जो अफ्रीकन बैंक जो अफ्रीकन बैकग्राउंड का है जो गलबत मुस्लिम नहीं है वो वहाँ पे गया उसने बच्चों को स्टैब किया और तीन बच्चियाँ मर गईं और कई बच्चे और भी ज़ख्मी हुए वो लड़का पकड़ा गया है फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे पहले ये खबर आई कि वो कोई मुसलमान कोटान कोट दहशत था उसके बाद ये शुरू हुआ अब बाद में आया कि वो मुसलमान नहीं था लेकिन अब वो फार रुप जिनको कहा जाता है वो ये कह रहे हैं कि भाई मसला ये नहीं है कि वो मुसलमान था या नहीं था वो इमिग्रेंट्स की नस्ल से था और वो पहले इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक माहौल है पूरी दुनिया में पाया जाता है पाकिस्तान में जो अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तानियों का माहौल है Uh, तो ये इस तरह की जो टेंशन होती है ना ये अनफॉर्चुनेटली होती हैं अब ये जो एलान मस्क और बरतानिया की सरकार की चल रही है तो एलान मस्क वो ये कह रहा है कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें अब एलान मस्क भी हमेशा अपनी लैंग्वेज बड़ी वो जिसे सख्त रखता है उसका एक अपना स्टाइल है मगर उसकी बात को भी फेंका नहीं जा सकता कूड़े की टोकरी में ऐसी बात नहीं है उसकी बात में भी वजन है अब सरकार ये कह रही है कि भाई आप लोगों का जो सोशल मीडिया है चूँकि लॉन मस्क ट्विटर को ऑन करते हैं और ट्विटर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है वो जी इसको झूठी खबरें फैला रहा है भाई ट्विटर हो फेसबुक हो वो झूठी खबरों को फैलाने में कितना को रोकथाम कर सकता है पहले तो ये सरकारें करें ना अपना काम ठीक से काम करें ये सरकारें ये जो पोलिटिकल आ, जिसे कहते हैं अपीजमेंट की या पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहाओं से ज़रा वापस आए रियलिस्टिक हों सारे सारे बैलेंस की तरफ आए इमीग्रेंट्स भी थोड़े से रियलिस्टिक हों वो भी बैलेंस की तरफ आए इमीग्रेंट्स कम्यूनिटीज़ मेरी मुराद है जो बाकी हैं जो वेस्टर्नर्स उनको भी पता चले कि भाई ये लोग हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं उनको भी इस बात का एहसास हो तो तोूमतें भी बीच में बैठें सिर्फ बयानबाजियाँ कर लेने से ये मसाइल हल नहीं होंगे तो मेरा यही ख्याल है कि ये जो मसाइल का हल है ये आपस में कम्युनिकेशन से ही मुमकिन है चलिए अमेरिका की तरफ आते हैं अमेरिका में डेमोक्रेट्स की जानब से नए वी पी पिक के बाद अमेरिकी इलेक्शन कैंपेन पर क्या असर मरतब होंगे या हो सकते हैं जी अमरीका की एक रियासत के गवर्नर टिम वॉल्स को डेमोक्रेट्स ने आ, वीपी पिक के तौर पर लिया है अब वो चूँकि हैरिस पहले थी वीपी पिक जब तक बाइडन थे कैंपेन में जब से बाइडन ने अपने आप को निकाला है तो अब जाहिर है हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और वीपी के लिए अब टिम वॉल्स आए हैं तो इनके आ जाने से ज़ाहिर उधर ट्रम्प और जे डी हैं उनकी जोड़ी है इधर अब हेरस की और टिम वॉल्स की जोड़ी है तो हैरिस की कैंपेन अच्छी चल रही है लो, लोगों की जो तो थी शुरू में कि शायद इतनी अच्छी ना होगी थोड़ा सा वो ट्रेल करेंगी ट्रम्प के लेकिन वो तो आगे जा रही हैं हमने पिछले शो में भी बात की लेकिन अभी इलेक्शन अमेरिका में नवंबर में है तब तक वहाँ पे बहुत कुछ होना है कोई पता नहीं कि ट्रंप के ख़िलाफ़ क्या कुछ होता है कोई पता नहीं हैरिस के ख़िलाफ़ किस किस्म की कैंपेन होती है तो वहाँ पर अभी बहुत कुछ होना है तो अब अमरीका में आ, टिम वॉल्स के अब वी पी पिक हो जाने के बाद अमरीकी इलेक्शन कैम्पेन पर मुझे नहीं लगता इमिजिएटली को फर्क आएगा असल तो मुकाबला ट्रंप और हैरिस का है फ्रेंकली और ये अब देखने वाली बात है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आगे कितना अपना स्पोर्ट्स बेस कायम करते हैं और जो स्विंग स्टेट्स हैं खास तौर पर अमेरिका की उसमें वो ट्रंप और हैरिस कितना अपना किरदार अदा करते हैं कि उन स्विंग स्टेट्स को अपनी अपनी तरफ खींच सकें चलिए आखिर में बात करते हैं अपने घर की यानी कैनेडा की तो बताइए कि कैनेडा में क्या अहम पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उन पर तबसरा कीजिए प्लीज देखिए कैनेडा की पॉलिटिक्स जो है वो एज यूजुअल छोटी पॉलिटिक्स है हम बड़ा देश हैं मगर हमारी पॉपुलेशन छोटी है लेकिन इस वक्त जो बातें चल रही हैं जाहिर अपोजिशन को कोई एक मौका चाहिए और, और इसी तरह दुनिया की डेमोक्रेसी चलती हैं अब अपोजिशन को ये एक मौका आजकल कुछ दिनों से चल रहा है कि एक मिडल ईस्टर्न शख्स गिरफ़्तार हुआ पिछले दिनों टेरर प्लॉट में और उसके बारे में लिबरल कैनेडियन सरकार ख़ुद कह रही है हाँ जी गिरफ़्तार हुआ और ये बड़ा जैन केस है ये शख्स आईसीएस का मेंबर था हमें समझ नहीं आ रही कि हमने उसको सिटीजनशिप कैसे दे दी उसका बेटा भी यहाँ पे आ गया वो गालबंद वीज़ा पे आया है बाप की वजह से तो अब वो ये कह रहे हैं कि इस बाप बेटे के यहाँ पे आ, आ जाने से आ अब कंजर्वेटिव ये कह रहे हैं कि भई बताइए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कोर्स जो भी सिटिंग सरकार होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी लेकिन ये भी क्रेडिट जाता है सिटिंग सरकार को कि एट लीस्ट उन्होंने पकड़ लिया वरना ये भी हो सकता था कि आजकल के मिडल ईस्ट के जो बड़े ख़तरनाक वॉलटाइल जहादी हालात हैं उसके तनाजर में ये बाप बेटा यहाँ पर कुछ खौफनाक एक्शन कर देते और आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए अपना सर पीट रहे होते कि ये क्यों हुआ लेकिन चलें शुक्र है एटलीस्ट वो पकड़े गए हैं और कैनेडियन सरकार इसको रियलाइज़ कर रही है रेस्पॉन्सिबल भी ऑफ कोर्स सेटिंग सरकार होगी लेकिन पकड़ने का क्रेडिट भी बहरहाल वो लेंगे कि देखिए हमने पकड़ लिया एक तो ये इशू है यहाँ पे दूसरा जाहिर है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जो अनपॉपुलैरिटी है वो भी तक चन, नीचे कोई चल रही है लेकिन उस अनपॉपुलैरिटी को क्या कंजर्वेटिव के जो लीडर हैं पीयर एर वो कैश कर सकेंगे वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पीयर एर पोलेवर ठीक है इस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से थोड़ा उनका ग्राफ बेहतर है मगर उनकी अपनी बयानबाजी भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है कि अगले साल जब इलेक्शन होंगे तो हम यकीन से कह सकें कि कैनेडियन उनका साथ देंगे कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो का साथ तो नहीं देना चाहते लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट कनाडा में होती है जिसकी वजह से कनाडा का पॉलिटिकल जो जो सिनेरियो है वो कुछ सर्टन हो सके अभी तक तो जैसा है वैसा ही चल रहा है आज के बिला तकल्लुफ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गुर और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रीआन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.